السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت व्यूताही रकुम तहिरा ख़वातिन रियाज़ीन का सिलसिला जो आपकी ख़िदमत में पेश किया जा रहा है उसमें आज जो बाब है रसोलस के अहल बैत की इज़्ज़त और उनकी फ़जीलत अखलाकियात और हुकूक ईमान इन सब के जिक्र करने के साथ में ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि और आप के घर वालों का इज़्ज़त और अहतराम करें उनका इज़्ज़त और अहतराम भी हमारे ईमान का हिस्सा है इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में आपकी आपके अजवाज मतहारात जो मोमिनों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं इन सब का ज़िक्र किया गया तमाम तो नबी रहमतुल्लाह अपने उसूल के मुताबिक सबसे पहले क़ुरान की आयत में सूरत लज़ाब की आयत नंबर 33 जो मशहूर है अहल बैत के तल्लुक़ से वही आयत लाएँ तर्जुमा है कि अल्लाह ताली यही चाहता है कि अहल बैत वो तुमसे गंदगी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे इस आयत के बाद अहादीस का सिलसिला शुरू हो रहा है एक लंबी हदीस है जिसका ख़ुलासा मैं जो रिवायत के अंदर जो बातें उसका ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ यज़ीद बिन हयान इसके रावी हैं वो हुसैन बिन सबरा अमर बिन मुस्लिम ये तीनों लोग जैद बिन अरक़म रज़ातों के पास गए और ज़ैद बिन अरकम ये सहाबी रसूल हैं उनके पास बैठे और उन्होंने कहा कि आपका ज़माना बहुत अच्छा ज़माना था आपने रसूल वसम को देखा उनकी बातें सुनी उनके साथ जिहाद किया उनके साथ नमाज़ें पढ़ी यकीनन आप लोग बहुत अच्छे ज़माने में थे बहुत सी भलाइयाँ आपने हासिल की ये सब बातें उन्होंने उनसे कहा और कहने के बाद उनसे दरख्वास्त किया कि आप कोई एक हदीस सुनाइए जो आपने अलैहि वसल्लम से सुनी है तो हजरत जैद ने कर फरमाया कि देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ काफ़ी वक्त हो गया है बहुत सी बातें याद हैं बहुत सी बातें भूल गया हूँ लिहाज़ा जो मैं तुम्हारे सामने बयान करूँ उसे क़बूल करो और जो ना बयान करूँ उसके लिए मुझे ज़्यादा मजबूर नहीं करना उसके बाद उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र में जो मक्का और मदीना के दरमियान पानी का एक चश्मा है जिसको कहा जाता है ख़ुम उस जगह का नाम खुम है आप वहां ठहरे अल्लाह ताला की हमदो दो बयान फरमाई और वाजो नसीहत की और उसके बाद लोगों से कहा लोगों सुनो मैं भी एक इंसान हूँ करीब है कि मेरे रब का कसद मेरे पास आए आपने जो इंसान कहा तो गोया पैदाइश इंसानी ज़रूरत के एतबार से वरना आपका मकाम और आपका मर्तबा तो ये है के सारे नबियों के आप इमाम हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने जो फज़ाइल मनाक़िब और मराती बयान किए हैं उसको शेख सदी रहमत बड़े आसान लफ्ज़ में कहते हैं कि बाद अज खुदा तो किस्से मख्तसर अल्लाह के बाद हमारे पास ईमान के अतबार से अज़मत के अतबार से मक़ाम और मरतबे के अतबार से मोहब्बत के अतबार से एत के अतबार से अज़मत के अतबार से अगर कोई है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद है। लिहाज़ा ये लफ़् सुनकर किसी को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कहते हैं कि आप, है। कि आप ने फरमाया कि मेरा भी वक्त करीब आ सकता है इसलिए तुम लोग मेरे पास आओ और मैं उसकी मेरे पास वो कासिद आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ यानी अल्लाह के पास जाना पसंद करूँ लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ अल्फाज है व अना तार फ़ीकुन सकलैन दो वज़नी चीज़ें भारी चीज़ें अजीम चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ अव्लुमा किताबुल्लाह उसमें से पहली चीज़ किताबुल्लाह है फ़ी हिल हदा व नूर <वन्नौर> उसमें हदायत और रोशनी है मतलब वो किदायत वो किताब की तालीमात तुम्हारे दिलों को भी रोशन करेगी तुम्हारी ज़िंदगी को भी रोशन करेगी फजू <खुजूँ> भी <किताब ल्ला> तो अल्लाह की इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो बस्तम सिको भी ही और उसको मजबूती के साथ पकड़ लो व वफी ही आपने किताबुल्लाह पर यानी अल्लाह की किताब पर अमल करने के लिए लोगों को तरगीब दिलाई उभारा हिम्मत दिलाई और इन सब चीज़ों पर जमे रहने की तालीम दी फिर उसके बाद आपने कहा वहल बैती और मेरे घर वाले उजक की रुकमल अहल बैती मैं तुम्हें अहल बैत के बारे में अल्लाह की याद दहानी कराता हूँ यानी नसीहत कर रहा हूं क्या नसीहत उजक की अहले बैती फिर आपने दो बार कहा कि मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ याद दिला रहा हूँ याद दिहानी कर रहा हूँ कि गौर से सुनो मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ कि उनके बारे में कोई नाजेबा हरकत कोई ऐसी वैसी बात या उनकी दिलचिकनी या उनकी शान में कमी ऐसी कोई चीज़ नहीं करना फ़ाल हुसैन तो जो उनके साथ एक हुसैन थे उन्होंने कहा वमन अहले बी अहल बैत कौन हैनीसा उहले ही क्या उनकी बीवियाँ अहल बैत में से नहीं हैं कौल मिन अहल ही क्या उनकी औरतें अहल बैत में से हैं बैती ही मन मनोहर कह लेकिन अहल बैत वो भी हैं जिनके ऊपर सदक़ा हराम है कल ममन हम तो वो कौन है कला हम आलो अली व आलो अकीन व आलो जाफ़रन व आलो अब्बास कला कुल्हा उलाम सद कल नाम तो उन्होंने कहा क्या ये सारे लोगों पर सदक़ा हराम है हाँ उन्होंने कहा रावी ने कि नाम हाँ उन सब पर सदक़ा हराम है तो दो चीज़ें यहाँ जो है अल्लाह की किताब और अहल बैत लेकिन अल्लाह की किताब में अहादीस भी शामिल हैं जो सही अहादीस हैं ये लंबी हदीस है और इसमें ये सारी चीज़ों का ज़िक्र आया इसी हदीस के कुछ अल्फाज दूसरी हदीसों में जैसे बुखारी शरीफ़ में कुछ अलग अल्फाज हैं और दूसरी हदीसों में अलग अल्फाज हैं ये जो पूरी हदीस मैं आपको सुनाया ये मुस्लिम शरीफ की है तो इस हदीस से सबसे पहले किताबुल्लाह की अहमियत मालूम होती है और साथ ही साथ ये भी मालूम होता है कि प्यारे नबी वसल्लम हो या जितने भी नबी हैं जब वो दुनिया में आए हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद शरीयत जो उनको दी गई उसको पूरी तरीके से नाफिस करने के बाद अल्लाह के अहकाम को लोगों तक पहुंचाने और उस पर अमल करके दिखाने के बाद हर नबी को दुनिया से जाना हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ जैसा कि आपने कहा कि मेरे पास भी मेरे रब का क़ासद आए फीब मैं उसे जवाब दे दूँ यानी कबूल कर लूँ उसकी दावत को और हदीस मशहूर है ने इस्लाम को भेजा और कहा दोनों चीजें पेश करो कि दुनिया की जिंदगी या रब की मुलाकात तो आपने कहा मैं रब की मुलाकात चाहता हूं तो किताबुल्लाह जो असल हदायत की किताब है वो हमें लेना चाहिए तो दूसरी चीज जो अहल बैत के बारे में है ये येमाए अहले सुन्नत जितने भी हैं हनफ़ी शाफ़ी मालिकी हम्बली जमहूर इन सबों के पास अहल बैत में उम माहमोमिन दाखिल हैं उहतलमिन भी अहल बैत में दाखिल है। और ये चीज़ अगर हम हदीसों में न जाकर सिर्फ़ कुरान में भी जाएँ तो हमें मालूम होता है कि अहल बीवी को मिला के कहा जाता है जैसे कि हज़रत लूत लूतम का वाक़ कुरान में कई जगह ज़िक्र है कि हमने लूत और उनके घर वालों को बचा लिया इल्लम रात हो सिवाय उनकी बीवी के और लूत लूतम के घर वालों के लिए अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया चूँकि अहल में बीवी शामिल थे लेकिन लूत लूतम की बीवी नाफरमान थी इसीलिए उसको अलग से कहा गया इल्लम रातहु कि लोग कहीं उनकी बीवी को भी अहल में शामिल ना कर लें इसलिए इल्लम रातहु अलग से कहा गया मालूम यह हुआ कि बीवी भी अहल में शामिल है हज़रत इब्राहिम का ज़िक्र आया है कि जब वो घर से निकले हैं बादशाह के जुल्म के बाद तो लफ्ज़ आता है कि वो अपने अहल के साथ निकले थे तो मालूम हुआ कि उस वक्त तो बच्चे तो थे नहीं सिर्फ़ बीवी ही थी तो मालूम हुआ कि उनकी घर वाली उनकी बीवी अहल में दाखिल है अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो फिर जो लोग नहीं मानते महातुल मोमिनीन को उनमें और इनमें कोई इख्तलाफ़ नहीं होगा अगर वह अदिस को नहीं मानते हैं तो कम से कम क़ुरान की ये आयत जो क़ुरआन में ख़ुद अहल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल बीवी के साथ है तो जितने भी महातलमिन हैं सब अहल में दाखिल हैं वो भी अहल बैत हैं बाकी रह गया मर्तबा और मक़ाम तो महातलम का अलग मक़ाम और मर्तबा है आपके बच्चों का मक़ाम अलग है फिर नवासों का मक़ाम अलग है हज़रत अली हज़रतली रज़ील्ला जो आपके ख़ानदान से भी हैं आपके दामाद भी हैं और बचपन से आप ही की किफ़ालत में हैं तो उनका मक़ाम और मरतबा भी है तो सारे लोगों का जो मकाम और मरतबा है वो देना चाहिए वो इज्जत और एहतराम होनी चाहिए यही सही अकीदा सही तरीक़ा है अगर हम सिर्फ क़ुरान को मान लें तो ये चीज़ है बाकी इस मौजू में दूसरी किताबों में बहुत से अदीस हैं कुरान करीम की आयतें भी हैं और ख़ुद जिन हदीस को जो हजरत मानते हैं जिसमें कि सिर्फ़ आपने एक चादर मंगाई और उसमें हदत अली हज़रत फ़ातिमा हसन और हुसैन को समाया और कहा यही अहल बैत हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस हदीस के रावी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह त हैं तो मालूम ये हुआ कि अगर उनके दिल में कुछ भी ऐसा वैसा होता तो वह हदीस क्यों रवायत करती नहीं करती वो रवायत तो मालूम हुआ कि ये आयत जो नाजिल हुए आप के घर में और वह सारी बीवियां वहाँ मौजूद थी जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने घर वालों को कहा अहल और उसके बाद इन लोगों की भी बुला करके चूंकि ये बाहर रहते थे तो इनको भी बुलाकर कहा गया कि तुम भी अहले बैत ही हो गोया तुम्हारा भी मक़ाम और मर्तबा अहले बैत जैसा ही है लिहाजा सही तरीक़ा यही है कि इन सब को शामिल कर लिया जाए तो कोई इख्तलाफ़ नहीं होता न क़ुरान की आयत के ख़िलाफ़ न सही अहादीस के ख़िलाफ़ और जो उनके मर्तबे अलग अलग हैं कुरान में ख़ुदसूरत लाज़ाब में या नसान नबी कहकर कितनी फ़जीलतें उनकी बयान की गई हैं कहा गया कि लस्तुल्नकाद मना नसा आप दूसरी औरतों की तरह नहीं हैं और ये भी कहा कि जो हम महात हम कि प्यारे नबीम की बीवियाँ सारे मोमिनों के लिए साहब ईमान के लिए माँ का दर्जा रखती हैं इसीलिए इनके नाम के साथ हम उमिनीन कहते हैं मोमिनों की माँ हज़रत खदीजा हज़रत आयशा हजरत सौदा मुमिनीन हज़रत हफ्सा हजरत ज़ैनब इस तरीके से सारे नबी उम उम्य सलमा जितने भी बीवियाँ हैं सब का मकाम और मरतबा यही है यही सही चीज़ है यही बेहतर है हमें इख्तलाफ से बचना चाहिए क्योंकि वो सब आपस में बड़े मोहब्बत से थे हज़रत अली रजल्ला हज़रत आयशा हज़रत आयशा रजी तौन की इज़्ज़त करती थी हज़रत आयशा अली तज़रतली रजल्ला की इज़्ज़त करती थी हज़रत फ़ातिमा आपकी शादी में सब कुछ कोशिश उन लोगों ने ही की थी और बाद में भी बड़े महब्बत और बड़े प्यार से हसन हुसैन रजिलाा इन दोनों से भी उन दोनों की बड़ी महब्बत थी हज़रतमान रजल्ल तनों हज़रत अबू बकर मिलकर हज़रतली रज़तों के शादी का पूरा ख़र्च जमा किया था बहर कै मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहता इसलिए कि हम तो रियाज साल में जो बातें हैं वही पेश कर रहे हैं लेकिन आम लोगों को ग़लत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सहाबे के राम में ऐसा कोई इख्तलाफ था ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं था ये सब चीज़ें बाद में हुकूमत अपनाने के लिए अपनी अपनी बड़ाई को बताने के लिए ये सब इख्तलाफा हुए हैं और बल्कि हुए नहीं हैं बनाए गए हैं वरना कुरान में भी सहाबा में भी सही हादीस में भी और सही समझ रखने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनमें भी कोई इख्लाफ नहीं है हमें कभी भी ये सब चीज़ें आए तो क़ुरान की एक आयत याद करनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं वल्लिन अजा ओ मबाद यकूलून वो लोग जो बाद में आए वो कहते हैं रब नफ़िर वली खौन लदी सबू बिल ईमान ए हमारे रब जो लोग ईमान के साथ इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी और हमारी मखफ़रत फरमा वजाली खोलो बिना लदीना मनो और हमारे दिलों में ईमान वालों के ताल्लुक से ज़रा भी कीना का पटना रख एक तो याद दूसरा ये के तिल का उम्मन ख़लत ला माँ का वो सब एक उम्मत थे दुनिया में आए नेकियां किए अल्लाह के पास चले गए अल्लाह उनको मक़ाम और मर्तबा मरतबाता फ़रमाया वो खुश व खुर्रम्ल उन से राज़ी वो अल्लाह से राजी हैं वला तो सलून अम्मा कानु या मलून हमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या अमल किया और उनसे नहीं पूछा जाएगा कि हम क्या अमल कर रहे हैं हर इंसान को अपना अपना अमल करना है अपने अपने अमल पर बाकी रहना है तो लिहाजा यकीन कीजिए कि इन किलाफा को अगर दूर कर लिया जाए तो पूरी उम्मत एक हो जाएगी और मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है इन दो ग्रुपों की वजह से हुआ है आपस में लड़कर इन्होंने खुद पूरी सल्तनतें हुकूमतें तबाह की हैं दुश्मन बाहर का कितना हो ताकतवर हो जब तक अंदर से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता कुछ नहीं कर सकता लिहाजा हमें चाहिए कि जिन लोगों ने मुसलमानों में फूट डालने की ये सब चीज़ें की हैं हमें उनसे होशियार होकर अपना ईमान और अकीदा दुरुस्त करें अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे सुनने वाले हर इंसान को तौफीक दे कि हम सुन्नत सुनत वजमात अल अहल बैत यानी अली हज़रत फ़ातिमा हसन हुसैन और आले अब्बास अल आल अकील आले जाफ़र सब की हम इज़्ज़त और अहतराम करते हैं साथ ही साथ मोमिनीन का भी सब का मक़ाम और मर्तबा अलग अलग है अल्लाह ताला सच जो कुछ हमने कहा इसमें जो भी सही बातें हैं सब अल्लाह है की तरफ़ से हैं और अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाएँ और अगर कुछ नहीं हमारे नफ्स की तरफ़ से है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए अल्लाह ताला हम सब को एक और नेक बनने की तोफ़ी अतः फ़रमाए असलमकुम वहमतुल्लि वबरकू अल्लाह ताली दरुद्लम नाजिल फ़रमाए प्यारे नबी नबीसम पर और आपके आल और असहाब सब पर भी अजवाज पर भी आपके ख़ानदान पर सब पर भी वसलील नबी वस तस्लीमन कसियान कसिया कثीर।